हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका 25 तारीख को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का रैंक फेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पेपर है। उसमें से हमने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कल लगभग 25-30 क्वेश्चन दिए थे वो, और ये आज आपके लिए टेबल लेकर आया हूँ। अगर ये टेबल से ही आपने सही से तैयार कर ली तो 10 से 15 क्वेश्चन इस टेबल से ही मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। पहले में विशेषता, दूसरे में ड्राई फार्मिंग, तीसरे में ड्राई लैंड फार्मिंग और चौथे में रेनफील्ड फार्मिंग। इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं क्या है? वार्षिक वर्षा, पहली है वार्षिक वर्षा ड्राई फार्मिंग कितनी होती है? 750 मिलीमीटर से कम। जिन क्षेत्रों में 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां क्या की जाती है? ड्राई फार्मिंग। और ड्राई लैंड फार्मिंग में जहाँ 750 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर तक जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा होती है वहाँ कौन सी फार्मिंग की जाती है? ड्राई लैंड फार्मिंग। फिर आइए रेनफेड फार्मिंग में, जहाँ 1150 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में 1150 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहाँ क्या की जाती है? रेनफेड फार्मिंग। दूसरी बात आर्द्रता, ड्राई फार्मिंग में बहुत कम होती है क्योंकि ये शुष्क खेती होती है तो इसकी आर्द्रता बहुत कम होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग में इसमें कम होती है, इसमें बहुत कम होती है और ड्राई लैंड फार्मिंग में कम होती है, और रेनफेड फार्मिंग में इसमें अधिक होती है। अगली बात फसल उत्पादन का कार, जो फसल है जो फसलें ली जाती है उनके उत्पादन का कार कितने दिन का है? ड्राई लैंड फार्मिंग में 75 दिन से कम समय की फसलें ली जाती हैं ड्राई फार्मिंग में, और ड्राई लैंड फार्मिंग में 75 से 120 दिन की जो टाइम पीरियड की फसलें होती हैं वो ली जाती हैं, और रेनफेड फार्मिंग में 120 दिन से अधिक का समय लेने वाली फसलों को उगाया जाता है। फिर आइए फसल बुवाई क्षेत्र, फसल बुवाई क्षेत्र ड्राई फार्मिंग में शुष्क होता है और ड्राई लैंड फार्मिंग में अर्ध शुष्क होता है, रेनफेड फार्मिंग में आर्द्र होता है। फिर अगली बात क्या है? फसल प्रणाली, इसमें एकल और मिश्रित फसलें उगाई जा सकती हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग में भी एकल और मिश्रित फसलें उगाई जा सकती हैं, और रेनफेड फार्मिंग में बहुफसली खेती की जा सकती है। शुष्क काल, ड्राई फार्मिंग में लगातार शुष्क काल बना रहता है और ड्राई लैंड फार्मिंग में शुष्क काल कम रहता है, और रेनफेड फार्मिंग में बिल्कुल ही नहीं रहता है, इसमें शुष्क काल नहीं रहता है। अगली बात है फसल नष्ट होने की संभावना, तो ड्राई फार्मिंग में सबसे अधिक होती है और ड्राई लैंड फार्मिंग में सामान्य होती है, और रेनफेड फार्मिंग में इसमें कम होती है। तो ये टेबल आप सही से तैयार करिए, 10 से 15 क्वेश्चन इसी टेबल से करने की उम्मीद है, और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, शुष्क खेती व्यवस्थित तरीके से कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1850 के आसपास प्रारंभ हुई थी शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, शुष्क खेती की तकनीकी सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो यह तकनीकी सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, ड्राई फार्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ड्राई फार्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन। अगला प्रश्न है सीआईएच क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेट हॉर्टिकल्चर, ये कहां पर है? बीकानेर राजस्थान में है। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेट हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कृषि क्षेत्र कितना है? तो ये 143.8 मिलियन हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग कितना है? ये 33% है सिंचित भाग। अगला है इकाडा, इकाडा इसकी ये क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ये कहां पर है? एलेपो सीरिया में, एलेपो सीरिया में। और
नौवां प्रश्न है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को जाना जाता है किस नाम से? सैटेलाइट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है? इसमें क्या है, ये एक तरह का फार्मिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें खेती की हर नई तकनीकी का उपयोग किया जाता है, इसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कौन सी है? तो इसमें GPS और सैटेलाइट नेविगेशन, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। अगला प्रश्न है, प्रिसीजन फार्मिंग है क्या है? उन्नत तकनीकी का प्रयोग, प्रिसीजन फार्मिंग में उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने इतना सही से पढ़ लिया, बाकी कुछ क्वेश्चन और भी हम PDF दे देंगे, तो आप उससे पढ़ के जाइए, पूरा का पूरा पेपर फंसने की पूरी उम्मीद है। जुड़े रहिए हमसे, और अगर हमारा चैनल आपको कुछ बेहतर करके दिखा रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।